मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना मोहाली में 18 अप्रैल को पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ मैच में स्लो और रेट के चलते जो है पांड्या पर ये जुर्माना लगाया गया है। खेल के 17वें सीजन में गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब को 9 रन से हराया। मोहाली में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने इसमें 53 गेंद पर 78 रन बनाए। पंजाब की पूरी टीम 19.1 ओवर में 183 रन पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल ऑफिशियल ने बताया कि इस सीजन में टीम मुंबई की यह पहली गलती थी, इसलिए आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सबसे न्यूनतम दंड दिया गया। और इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुकाबला कोलकाता में खेला गया था और राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के चलते अय्यर पर जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले संजू सैमसन पर भी 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुजरात टाइटन के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के चलते उन पर यह जुर्माना लगाया गया। वहीं सबसे तगड़ा जुर्माना दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर लगाया गया। उन पर जो है 2 मैचों में स्लो रेटिंग के चलते जो है ये जुर्माना लगाया गया और टोटल उन पर लगा है 24 लाख रुपए का फाइन। इस सीजन में 7वें मैच में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल पर चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मैच में जुर्माना लगाया गया था। उन पर भी जो है 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।